गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट है हमारा SST और चैप्टर है हमारा 4, द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे, आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले अपना पॉइंट हमारा टेम्परेचर। क्या है टेम्परेचर? टेम्परेचर सभी बच्चे समझ गए होंगे, व्हाट इज टेम्परेचर, यानी तापमान। टेम्परेचर से क्या मतलब है? तापमान। ठीक है, द हॉटनेस ऑफ कोल्डनेस दैट यू फील इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। सो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट करती है हीट की, यानी सर्दी और गर्मी। एज द वेदर कीप चेंजिंग ऑल द टाइम सो डज द टेम्परेचर, वी कैन फाइंड अ डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम सीजन ऑफ सीजन, डे टू डे एंड आवर टू आवर। वी फाइंड considerable difference in the daytime and nighttime temperature, thus day the warm, the night and winter are colder than summer। देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि temperature क्या होता है। दिन मतलब कि आज अलग है, कल अलग होगा, 2 बजे अलग होता है, 3 बजे अलग होता है, यानी ये बदलता रहता है। दिन के समय अलग होता है और रात के समय अलग होता है। द चीफ सोर्सेज ऑफ हीट ऑन द अर्थ इज द सन। द सन इज हॉट बॉल ऑफ फायर, एज हॉट एज 600,000 डिग्री सेंटीग्रेड। वी रिसीव ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सन हीट, द हीट विच द सन रेडिएट टू हीट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन, एंड द हीट दैट इज इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। ठीक है, क्या बताया गया है कि जो सूरज है वो क्या है? एक हॉट बॉल है, गर्म बॉल की तरह कह सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6,000 ठीक है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो पृथ्वी पर आता है वो एक लिटिल अमाउंट होता है हीट का। और आपने देखा होगा इससे जो विकिरण निकलते हैं उन्हें हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं, जो रेडिएशन निकलती है। मतलब वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास दैट द अर्थ डज नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एट द ऑल प्लेस, डिफरेंस इन इंसोलेशन ऑकर ड्यू टू अ नंबर ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, हमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर सब जगह सूरज की जो किरणें होती है, रेडिएशन होती है, वो एक सी नहीं होती, हर जगह अलग अलग होती हैं। रोटेशंस एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, स्लैंटिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी जब घूमती है तब अलग होता है, और जो मतलब कि अक्षांश पर अलग होता है। स्लैंटिंग सन रे ड्यू टू द स्पैरिकल स्पेस ऑफ द अर्थ। देखिए, जहाँ पे आपको ये वाला सर्कल आपको अपनी बुक में दिखाई दे रहा होगा और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, ये वाली देखिए, ये होती है हमारी भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर भी बोलते हैं। ये होती है कर्क रेखा और ये होती है मकर रेखा। ये जो यहाँ ये बीच वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला बीच वाला जो एरिया है जिसे मैं ग्रीन कर रही हूँ, यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, आगे करते हैं। द डिफरेंस इन इंसोलेशन हैज़ क्यूज 3 हीट जोन ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब कि अर्थ को 3 जोन में बांटा गया है। नंबर 1 टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रेजेड जोन। टॉरिड जोन कौन सा है? द टॉरिड जोन इज सिचुएटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। देखिए, इसमें कौन सा दिखाया गया है सिचुएटेड? पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं, ठीक है। टॉरिड जोन ये वाला, ठीक है। बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकॉन के बीच में जो हमारी जोन होता है वो टॉरिड होता है, ठीक, क्लियर। दिस जोन रिसीव द मैक्सिमम इंसोलेशन ऑफ द सन रे फॉल वर्टिकली ओवर द रीजन, मेकिंग दिस द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये सब ये पृथ्वी का कौन सा पार्ट होता है? सबसे गर्म पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा
temperate zone. The temperate zone is located in the two hemisphere in the northern hemisphere. It is located between the Tropic of Cancer and Arctic Circle and in the southern hemisphere. ठीक है, it is located between the Tropic of Cancer and the Antarctic Circle. ये किस किस के बीच होती है? Tropic of Cancer और Atlantic Circle के बीच में पाई जाती है. As this zone receive moderate इंसोलेशन दिस इज नाइदर टू कोल्ड और नॉट टू हॉट. और ये वाला जो एरिया होता है टेम्परेट जोन का, ये ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है. सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा पाया जाता है? हमारा टॉरिड जोन वाला, ये वाला. ठीक है, कौन सा? ये टॉरिड जोन, ये वाला टॉरिड जोन बताया गया है. ये वाला आपका कौन सा बताया गया है? टेम्परेट. और ये वाला जो आपका हमारा फ्रीजी जोन कहलाता है. ठीक है, समझ गए ना सर आप? आता है फ्रीजी जोन. फ्रीजी जोन, द फ्रीजी जोन इज लोकेटेड अराउंड द टू पोल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. इट इज लोकेटेड बिटवीन द Arctic Circle and the North Pole, and in the Southern Hemisphere is located between the Antarctic Circle and the South Pole. This zone receive very little insolation of is very cold. यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कम आती हैं और ये बहुत ठंडा इलाका होता है. ठीक है, How atmosphere is heat? You have read that the sun radiate heat toward the earth's surface. This heat does not heat up the atmosphere. This heat is rather absorbed by the earth's surface. How then is the atmosphere heated up? This occurs due to the following factor: radiation, the earth's surface absorbs the sun's radiation and get heated up. In this process the atmosphere is not heated up. The atmosphere is heated up when the earth's surface re-radiation the heat. This process is called territorial radiation. Thus the atmosphere is not heated by the sun ray but by the heat radiated by the earth. फिर है हमारा कंडक्शन. देखिए, ये तो हमारा रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन. ये तीन प्रक्रिया होती है. तीन प्रक्रिया कौन सी होती है हमारी? विकिरण, चालन और संवहन वाले. विकिरण यानी जब किसी, जैसे सूर्य से किरणें आती हैं, कुछ दिखता तो नहीं है, जो उसकी किरणें पड़ती हैं उससे वो गर्म हो जाता है, वो तो रेडिएशन हो गई. कंडक्शन, जैसे हम आँच पे कुछ चीज रखते हैं तो क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर जाने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, देखा होगा नीचे से हीट लगती है, वो ऊपर जाते हैं और ऊपर तक का पानी गर्म हो जाता है, वो हमारी कंडक्शन कहलाती है. और कन्वेंशन यानी जैसे आपने देखा होगा सर्दी में जब हम क्या करते हैं, जैसे पानी गर्म हुआ, पानी के साथ साथ जो फ्राई पैन था उसका जो हैंडल था वो भी गर्म हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कन्वेंशन. ठीक है, आगे चलते हैं. प्लेसेस एंड एल्टीट्यूड rises to fill his low pressure area and it heat get heated up due to the earth surface. It in its turn it also rise up and it replaced by cooler air. This create a cycle movement of the air which heat up the atmosphere. देखिए होता क्या है, हमने पढ़ लिया विकिरण के बारे में, मतलब कि कंडक्शन, संवहन, रेडिएशन के बारे में, लेकिन हुआ क्या? जैसे कि आपने देखा होगा जब जो ठंडी वायु होती है वो ऊपर की तरफ उठती है. ठीक है, और गर्म वायु नीचे की तरफ. तो जैसे आपने देखा होगा जब सूरज निकलता है तो कम गर्मी होती है, जो चीज़ें होती हैं वो कम हॉट होती है, लेकिन जब सूरज जैसे जैसे निकलता जाता है और सूरज के संपर्क में चीज़ें आने लगती हैं वो हीट होती चली जाती है. तो वही लिखा है कि जो एयर होती है वो क्या कहती है, एक साइकिल बनाती है, जैसे ठंडे से गर्म की ओर होता है. ठीक है, जैसे हमने पानी को बॉईल करने रखा, ऐसा तो नहीं है
जो हमने गैस जला रखी है या जिस पे वो रखा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं ना। वाटर क्या होता है, जो गर्म है वो ऊपर उठता रहता है, जो ठंडा है वो नीचे की तरफ आता रहता है, जिससे पानी बॉयल होता रहता है। फिर है फैक्टर इन्फ्लुएंस टेम्परेचर, इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर। इन एडिशन टू द हीट जोन एंड द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड द एडवेक्शन, देयर आर सम मोर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, और द ईटानगर इन अरुणाचल प्रदेश, लखनऊ इन उत्तर प्रदेश एंड जयपुर इन राजस्थान आर लोकेटेड ऑन द 27 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड इन द टॉरिड जोन। मतलब कि ये जो एरिया बताए गए हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और जयपुर, राजस्थान का जयपुर, ये कहाँ पे स्थित है, हमारे टॉरिड जोन में, जो 20 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। बट ईटानगर इज कोल्ड, जो ईटानगर है वो क्या है, कोल्ड है। लखनऊ फेस एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड जयपुर इज हॉट। और लखनऊ में नॉर्मल रहता है, मतलब कि सर्दी गर्मी, और जयपुर में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। हाउ डज दिस ओकर, दिस ओकर बिकॉज टू सेम अदर फैक्टर, वी शेल डिस्कस दैम ब्रेफ। सबसे पहला पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यू हैव रीड अंडर द हीट जोन दैट द प्लेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर एंड द प्लेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर आर कोल्डर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो इक्वेटर के पास होते हैं वो क्या करते हैं, हॉट होते हैं, जो इक्वेटर से दूर होते हैं वो कोल्ड होते हैं। दिस इज द रीजन दैट सोमेलिया इज वेरी हॉट वाइल ग्रीनलैंड इज वेरी हॉट। यही कारण है जो हमारा सोमालिया बहुत गर्म है और ग्रीनलैंड ठंडा है। अब आता है एल्टीट्यूड। सिंस द एटमोसफेयर इज हीटेड नॉट बाय द सन रे बट बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, द प्लेस नियर द सी लेवल आर हॉटर देन द प्लेस लोकेटेड ऑन अ हायर एल्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, माउंट आबू इज कॉल्ड बिकॉज इट्स लोकेटेड ऑन द हाई एल्टीट्यूड। थर्ड, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान है वो गर्म ही है। माउंट आबू एक प्लेस है, वो क्या है, कहाँ पे, राजस्थान में है, लेकिन वो ठंडा है। किस लिए है, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचाई पर है, तो जो एटमोसफेयर का फर्क पड़ता है वो ऊंचाई से भी पड़ता है। फिर आता है स्लोप। द माउंटेन्स हैव टू स्लोप, वन फेसिंग द सन एंड द अदर फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। द स्लोपिंग रिसीविंग डायरेक्ट सनलाइट इज वार्मिंग एंड द स्लोपिंग रिसीविंग नो और स्लैटिंग सन रेज और कोल्डर। यानी हम यहाँ जो गर्मी और सर्दी का फर्क है वो किससे पड़ता है, स्लोप से ही पड़ता है। अगर सूर्य की सीधी किरणें वहाँ आती हैं तो गर्म होगा, और वो थोड़ी स्लैटिंग होके आती है तो क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। आपने देखा होगा जो भी एरिया सी के पास रहते हैं वो वहाँ पे ना ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। द सी हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द एडजॉइन लैंड वाटर ले वो टेक मोर टाइम्स टू हीट एंड टू कूल एज कंप्रेस टू लैंड। सो द लैंड वार्म अप क्विकली ड्यूरिंग द डे विच इज टर्न वार्म अप द एयर। द वार्म एयर राइज अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। सो द एरिया फ्रॉम द सी रशिंग टू फिल दिस स्पेस जस्ट अपोजिट टू दिस फिनोमिनन एंड द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी एट नाइट क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। वाइल द एरिया मूव द वाटर वार्म अप क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। द एरिया मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। द एरिया ऑफ द सी हॉर्सेस कीप ब्लोइंग ड्यू द फिनोमिना। दिस इज रीजन दैट द एरिया नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट वाइल द वंस अवे फ्रॉम इट द एक्सट्रीम क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता हैज मॉडरेट क्लाइमेट एंड द चंडीगढ़ हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट। देखिए, अब इसमें बताया क्या गया है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने देखा होगा, ये सन है, ये क्या है, सी है, और ये लैंड है। दिन के समय क्या हुआ,
सूरज ने क्या करा, लैंड को गर्म करने स्टार्ट करा, तो पानी से कुछ ठंडी ठंडी हवाएं निकली जिसने इसे ठंडा कर दिया। अब रात के समय क्या हुआ, पानी गर्म हो गया और सूरज नहीं है, तो ये क्या होगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है हमारे सीब्रिज और लैंड ब्रिज होता है, ये इस तरीके से चलती रहती है। यही कारण होता है कि जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ का टेम्परेचर कुछ हमारा अलग होता है। ठीक है, फिर आता है मेजरिंग टेम्परेचर। अ थर्मामीटर इज यूज टू मेजरिंग टेम्परेचर। अ थर्मामीटर इज अ लॉन्ग ट्यूब फिल्ड विद द मरकरी और एल्कोहल विच एक्सपेंड वैन हीटेड अप। देखिए, चलिए पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। द टू स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर द फेरनहाइट स्केल एंड द सेल्सियस स्केल। द फेरनहाइट स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय डैनियल फेरनहाइट और इन 1710, वाइल द सेल्सियस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस इन 1742। वी कैन कन्वर्ट द फेरनहाइट रीडिंग इन टू सेल्सियस रीडिंग टू वाइज यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। देखिए, ये जो फॉर्मूला दिया गया है ये हमें किस लिए दिया गया है, अगर हमें किसको सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, फेरनहाइट को। जैसे हम जो टेम्परेचर से नापते हैं वो फेरनहाइट में आता है। ठीक है, क्या आता है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 होता है, तो वो फेरनहाइट डिजिट है, सेंटीग्रेड में नहीं है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा इसमें बताया गया है कि जो टेम्परेचर में, मतलब कि थर्मामीटर में यूज़ होता है, हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं और मरकरी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो हम नॉर्मली टेम्परेचर अपने घर में देखते हैं उसमें हम मरकरी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सभी के घर में टेम्परेचर होगा, लेकिन जो अल्कोहल वाला टेम्परेचर है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपका मतलब कि उच्च ताप को नापने के लिए अल्कोहल वाले टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। इसमें और बताया गया है कि सेल्सियस का इन्वेंट किसने किया है और फेरनहाइट का। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।